नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो चर्चा का हमारा विषय है वो हमने आज नया विषय चुना है, आर्थोपोडा। तो आर्थोपोडा चुना हमने क्यों है, क्योंकि जो लोअर जूलॉजी है, जो लोअर जूलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आर्थोपोडा से बनते हैं। और इसमें चूँकि कई जो जातियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, काकरोच है और झींगा है, इनका अध्ययन करते हैं। और खासकर काकरोच और झींगा से क्वेश्चन खूब बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे दोनों को भी इनके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि उनके इतने खंड होते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया। तो यहाँ से मेरिट का निर्धारण होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। और हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि उन्हीं टॉपिक्स को हम लेकर चलेंगे जो TGT, PGT, LT, GIC के 110% कठिन टॉपिक हों और फंसाने वाले हों। हम सिंपल टॉपिक एक भी नहीं उठाएंगे, मैं वादा करता हूं कि अभी TGT PGT के एग्ज़ाम तक कोई भी सिंपल टॉपिक हम नहीं लेंगे। हम उन्हीं टॉपिक को चुनाव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैटर समझ रहे हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपकी मेरिट को बिगाड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, इससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप अगर हमारे जो नोट्स ग्रुप से अगर जुड़ते हैं, डॉक्टर नोट्स परिवार से जुड़ते हैं, टेलीग्राम पे हमारे सारे परिवार के पूरे लोगों का एक समूह है डॉक्टर नोट्स, जिसमें आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं। फ्री में जो नोट्स हैं वो दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हैं, ध्यान रखिएगा हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, ये भी नहीं कि हैंड रिटन ना समझ में आ रहा तो प्रिंटेड आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा PDF फॉर्म में बुक्स भी हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ बुक भी आपको अवेलेबल है, सब PDF फॉर्म में, नोट्स और सब PDF फॉर्म में, सब कुछ फ्री है। और LT और TGT, PGT और GIC पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी टॉपिक आपके असिस्टेंट 90% तक सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ आपसे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अलावा करना क्या है कि ये जो नोट्स हैं ये हमारे नोट्स ग्रुप पर फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध हैं पूरा डाटा। और डिस्कशन जो ग्रुप है इससे जब आपको ऐड किया जाएगा तो डेली हम आपके TGT PGT का एक एक टॉपिक उठाते हैं और उसी का डिस्कशन रात्रि में 9:45 से लेकर 11 बजे तक करते हैं, जिससे वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। जनरली क्या है, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद या 4 घंटे या दूसरे दिन लगता है, जैसे ये आपने अभी पहली बार पढ़ रहे हो लगता है सब भूल जाते हैं, मगर यहाँ ऐसी समस्या को दूर करने के लिए डिस्कशन कराया जाता है। और प्रैक्टिस सेट पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपको सॉल्व करना रहता है और अपना स्कोर बताना रहता है, तो आपको डेली पता चलता रहता है कौन से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप किसी भी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और 299 का केवल मेंबरशिप लेनी है, वन टाइम 299 की मेंबरशिप, ध्यान रखिए वन टाइम है 99। और ये ग्रुप आपकी मदद GIC के एग्ज़ाम तक कराएंगे। उसके अलावा हमारे जिन मित्रों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नवंबर में है, अक्टूबर और लास्ट अक्टूबर और नवंबर में, तब तक ये ग्रुप आपकी मदद करता रहेगा, पीछे ग्रुप नहीं हटने वाला है। और पेमेंट जो करनी है गूगल पे नंबर पे करनी है या फोन पे करनी है या पेटीएम पे करनी है या इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है, और जैसे ही सक्सेस का मैसेज आए कि ट्रांसफ़र हो गया इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट, वैसे आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप जुड़ेंगे, अभी टाइम है 15 दिन TGT के लगभग हैं और 20 दिन तक अभी आपके PGT के हैं, और उसके अलावा 2 माह के लगभग या 1.5 माह के लगभग आपका GIC के टाइम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 2.5 या 3 माह मान लेते हैं, 3 माह के लगभग असिस्टेंट। तो आप जब जुड़ेंगे यहाँ से तो एक साथ आपकी तैयारियाँ कई होती चलेंगी। दूसरा, अगर आप 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन सही करते हैं यहाँ से जुड़ने से, अगर 30-40 क्वेश्चन और हो गए तो आप मेरिट में जगह आके नौकरी पा जाएंगे। इसलिए जुड़ें बिना संकोच के जुड़ें। और शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है आर्थोपोडा में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटर फ्ली, वाटर फ्ली के नाम से किसको जानते हैं। तो वाटर फ्ली के नाम से डायफिनिया को जानते हैं, किसको जानते हैं, डायफिनिया को हम वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं बात कर लेते हैं साइक्लोप्स की। तो साइक्लोप्स क्या है, तो साइक्लोप्स क्या है, मीडियन आई आर्थोपोड्स है, ध्यान रखिएगा मीडियन आई आर्थोपोड्स है। और लूसीफर किसका नाम है, तो लाख कीट, जो लाख का कीट होता है जो कि अभी हार्मफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो पढ़ाए थे आपको, इंसेक्ट, उसमें लाख
पढ़ाया था लाख कीट, तो लेसिफर लक का नाम होता है, लाख कीट का नाम है। माइसिस क्या है, ये क्रस्टेशिया का एक लार्वा है। तो चूंकि यहाँ वाटर फ्ली की बात कर रहा है तो डेफिनिया बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब समझ लीजिएगा ऐसे जीव जो क्या हो कि उस समय उत्पन्न हुए हों, कि उनके साथ के सारे जीव क्या हों, विलुप्त हो गए, फॉसिल रूप में मिल रहे हों, तो उनको सबको हम लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत जानते हैं, यानी उस समय से आज तक उनकी जातियां जीवित हैं, लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें है लिमुलस, लिमुलस लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। लिमुलस का चित्र दिखा दें, क्या पिक्चर देख रहे हैं, और ये जो पिक्चर है ये ल्यूमुलस का है, यानी क्रैब का चित्र है, ल्यूमुलस का ये पिक्चर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पिक्चर इसलिए दिखाया जाता है जिससे आप क्वेश्चन ना पूछे। ये लिविंग फॉसिल है, क्या है, लिविंग फॉसिल्स के रूप में है, ये इंसेक्ट का लिविंग फॉसिल्स है, यानी ये केकड़े की तरह आपको दिख रहा है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि ये अभी हमने आपको बताया था लिविंग फॉसिल्स की बात की थी, लेमुलस। तो लेमुलस क्या है, कार्ड किंग क्रैब, इसको हम केकड़े के ही नाम से जानते हैं, किसके नाम, किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है किंग क्रैब किसे बोलते हैं, तो लेमुलस को बोलते हैं, ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। दूसरा साइमूरिया, इसका ऑप्शन ए कौन सा दिया था, तो साइमूरिया दिया था, तो इट इज़ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। कभी पूछ सकता है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के मध्य की कनेक्टिव लिंक कौन सा है, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के मध्य की जो कनेक्टिव लिंक है वो कौन सी है, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के मध्य की जो कनेक्टिव लिंक है वो है सेम्यूरिया, जो है ये कनेक्टिव लिंक है। लेपिस्मा क्या है, लेपिस्मा को सिल्वर फिश बोलते हैं, ये टीजीटी पीजीटी में 2 से 3 बार क्वेश्चन बना है लेपिस्मा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, लेपिस्मा को क्वेश्चन कई बार बना है, भूलना नहीं, सिल्वर फिश बोलता है किसको बोलते हैं। डोडो क्या है, एक ऐसा पक्षी है जो कि कैसा हो गया है, विलुप्त हो गया है, कैसा हो गया है, विलुप्त हो गया है, क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ल्यूमलेस जो है, सॉरी हम बात कर रहे थे डोडो की, डोडो विलुप्त हो गया, ल्यूमलस को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एक्चुअली में फ़ोन बहुत परेशान करता है, अब आपको वीडियो शूट कर रहे हैं, कम से कम 2-3 बार कॉल आ गई तो दिमाग वहाँ चला जाता किसकी कॉल आई, तो ये भी समस्या बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइकुलाइना बिलोंग टू द, साइकुलाइना किसको बिलोंग करता है, तो साइकुलाइना राइजोसिफेलिया को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, राइजोसिफेलिया को बिलोंग करता है। नया क्वेश्चन कह रहा है, स्कॉर्पियन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ, जो स्कॉर्पियन होती है, स्कॉर्पियन का मतलब जो पूछा है वो बिच्छू से है, किससे, बिच्छू जो काटती है ना, डंग मारती है, तो बिच्छू किससे रिस्पायर करती है, तो एक्चुअली में इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरह की, तो वो क्या ऐसे लगती है कि किताब के पन्ने हो, किताब को बीच से खोल दिया गया हो, तो ये किससे रिस्पायर करती है, बुक लंग्स से भी रिस्पायर करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में कॉमन क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन बना है टीजीटी और पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्किनिड्स पजेस, आर्किनिड्स में क्या पाया जाता है, ये पूछा हुआ है, आर्किनिड्स में क्या पाया जाता है, तो खासकर चूंकि पेयर्स में लेग्स दिए हैं, तो चूंकि बात लेग्स की कर रहा है, तो आर्किनिड्स में कितने पेयर्स लेग्स देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा कितने पेयर आर्किनिड्स में लेग्स देखने को मिलते हैं, तो बताएं आप लोग, तो इनमें जो 4 पेयर लेग्स देखने को मिलते हैं, कितने लेग्स देखने को मिलते हैं, तो 4 पेयर लेग्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्किनिड्स में आता कौन कौन सा है, ये भी हम देख लेते हैं, तो स्कॉर्पियन आता है, क्या आता है, स्कॉर्पियन, और दूसरा क्या आता है, स्पाइडर आता है, यानी मकड़ी, मकड़ी और स्कॉर्पियन, स्पाइडर और माइट्स आते हैं, माइट्स आते हैं, इसके अलावा टिक्स आते हैं, ये किस में आते हैं, आर्किनिड्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बना हुआ है, और इसमें 4 पेयर लेग्स देखने को मिलते हैं, कितने पेयर, 4 पेयर लेग्स देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन बना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्ट्रिक गोट इंसेक्ट, तो ये क्या होता है,
तो वो एप्टेरी गोट जो इंसेक्ट होते हैं, तो इनकी खास बात क्या होती है, तो देख लेते हैं। एप्टेरी गोट जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है, जो विंग्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो विंग्स होते हैं, विंग्स वाले होता है पंख, जो पंख्स होते हैं, पंख होते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रैकिया, पंख्स और ट्रैकिया क्या होते हैं, अपसेंस होते हैं। तो इस प्रकार के कीट आते हैं जिनमें क्या पाया जाए, जिसपे विंग्स और ट्रेकिया अनुपस्थित हो। तो इसके अंतर्गत कौन से आएगा, तो कोलेम्बोला आएगा। क्या आएगा, कोलेम्बोला आएगा, ऑप्शन डी सही करेंगे। इसका पिक्चर भी देख लेते हैं, तो ये इनका पिक्चर से अगर नज़र आ रहा हो तो इनमें देखिएगा ना, तो कोई भी फिन नहीं पाया जा रहा, देखिएगा कोई भी सॉरी कोई भी विंग्स नहीं पाया जा रहा। क्या नहीं पाया जा रहा है, विंग्स नहीं पाया जा रहा है, या इन पे कोई भी पंख देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही उसने कहा हुआ, और आता क्या है जी, देख रहे हैं, यही अभी हमने आपको बताया है, कोलेम्बोलेंस जो है आदि देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये आप चित्र देख लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है डायग्नोस्टिक फीचर्स, डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ इंसेक्ट इज, इंसेक्ट का ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट है, या उनको हम इंसेक्ट को आराम से या सरलता के साथ पहचान सकते हैं। तो इनमें कौन सा लक्षण ऐसा है, तो इनमें काइटेनियस बॉडी जो देखने को मिलती है, यानी इनकी जो बॉडी होती है, यानी शरीर पर काइटिन का जो आवरण मिलता है, किसका, काइटिन का जो आवरण मिलता है, वो इनका विशेष लक्षण होता है। क्या होता है, विशेष लक्षण। अभी थ्री पेयर लेग की बात करें तो अभी जो एक क्लास हमने देखा था आर्किनिडा, उसमें कितने थे, फोर पेयर थे, तो ये तो करेक्टर तो नहीं है। अब कंपाउंड आई की बात करते हैं तो ये भी कोई ऐसा लक्षण नहीं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ यही हो, मगर काइटेनियस बॉडी इसका विशेषीकृत लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एंड फाइलम, इनमें से वो कौन सा है जिसमें क्लास समान हो और फाइलम भी समान हो, तो यानी आर्थोपोडा का सदस्य हो, किसका सदस्य हो, आर्थो, फाइलम कौन सा है, आर्थो सॉरी आर्थ्रोपोडा का सदस्य हो, आर्थोपोडा का सदस्य हो और क्लास भी सेम हो। तो देख लेते हैं हाइड्रा किससे बिलोंग करता है, तो हाइड्रा सीलेंट्रेट है, क्या है, नाइडेरिया के अंतर्गत आता है। जो जेलीफिश है ये आती इसी के अंतर्गत है, और क्रेफिश ये अलग आता है, ये आर्थोपोड में आ गया क्रेफिश। अब आ गया बैट, तो ये मैमेलियन है, ये बर्ड्स है, ये मैमल्स है, व्हेल ये तो कोई भी आ ही नहीं रहा है, सीधे स्पाइडर, स्पाइडर भी हमने बताया था कि आर्किनिडा, जो क्या है आर्किनिडा में कौन सा आ रहा था, स्पाइडर आ रहा था, स्कॉर्पियन आ रहा था, ट्रिक आ रही थी, इसके अलावा मिलेट्स आ रहा था, तो ये सब एक ही मतलब एक ही फाइलम को और एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोपिलस इज द लार्वा ऑफ, नोपिलस किसका लार्वा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फंसाने वाला है और टफ भी क्वेश्चन है। तो नोपिलस किसका लार्वा है, तो नोपिलस जो प्रायः होता है वो किसका लार्वा होता है, तो क्रस्टेशिया का है, किसका है, क्रस्टेशिया का। कई सारे लार्वा हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से लार्वा आते हैं तो क्रस्टेशिया में, तो क्रस्टेशिया में नोपिलस आता है, कौन सा आता है, नोपिलस आता है, इसके अलावा जोइया आता है, इसके अलावा माइसिस आता है, हमने अभी बताया था माइसिस, तो माइसिस आता है, इसके अलावा मेगा लोपा आता है, मेगा लोपा लार्वा आता है, बहुत लार्वा होते हैं, इसके अलावा फिल्लोसोमा आता है, इसके अलावा कौन सा आता है, फिल्लोसोमा आता है, और फिल्लोसोमा के अलावा और कौन से आते हैं, तो एलाइमा वायर आता है, ये आते हैं। इसमें से जो नोपिलस है, कौन सा है, नोपिलस ये वाला, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये क्वेश्चन बनेगा आगे कि सबसे सिंपलेस्ट जो सिंपलेस्ट लार्वा किसका होता है, क्रस्टेशिया का सबसे सिंपलेस्ट लार्वा कौन सा है, तो नोपिलस लार्वा सबसे सिंपलेस्ट लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग, जिसमें हीम ग्रुप हो, क्या हो, हीम ग्रुप हो, परंतु क्या हो, उसमें आयरन मिसिंग हो, वो कौन सा है, तो वो है हीमोसाइनिन। क्या होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कॉपर, तो ऑप्शन इसका हमें सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फिनेटर्स, द स्फिनेटर सॉरी स्फिनेर द स्फिनरेट्स
ऑफ स्पाइडर्स विच सिक्रीट्स सिल्कन थ्रेड्स फॉर द मेकिंग द वेव आर सिचुएटेड। तो कहता है कहाँ से ये निकलता है जो वेव होता है, या जो इनमें जो रेसे निकलते हैं, जाल बुनती ना मकड़ी, क्या बुनती, जाल। तो कहता है स्पिनरेट्स जो होते हैं स्पाइडर्स में, वो सिक्रीट होता है सिल्कन थ्रेड, यानी सिल्क नुमा थ्रेड होता है, वेव जाल जो बुनते हैं, इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से जाल बुनती हैं ये जो मकड़ियाँ होती हैं। तो वो कहता है कि ये कहाँ से निकलता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, तो एंटीरियर टू द एनस, एनस के इंटीरियर पार्ट पे ग्रंथि पाई जाती है जिससे धागे नुमा संरचना निकलती है, इसलिए मकड़ी हरदम उल्टा लटक कर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परेरली स्टोर्ड, द कीटों में यूरिक अम्ल अस्थाई रूप से संचित होता है। तो जो यूरिक एसिड कीटों में होता है वो अस्थाई रूप से कहाँ संचित होता है, तो फैट बॉडीज़ में। किसमें संचित होता है, फैट बॉडीज़ में संचित होता है। तो ये ऑप्शन TGT बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब समझ रहा है, खटमल है, क्या किसकी बात कर रहा है, खटमल की बात करता है। पहले क्या होता था, चारपाई पे और बिस्तर पे खटमल हो जाते थे, जो रात्रि को बहुत काटते थे, तो लोग उनको धूप में डालते थे या छिड़काव करते थे दवाई का। तो कहता है इसमें कौन सा है, एग लार्वा एडल्ट, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, एग निम्फ एडल्ट और एग प्यूपा एडल्ट। तो ये क्वेश्चन PGT में बना था और चार ऑप्शन दिए थे उसने, मक्खी का दिया था और अन्य ऑप्शन भी दिए थे। उसमें एक क्वेश्चन उसने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस में प्यूपा का अभाव होता है या प्यूपा लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इनमें किस में प्यूपा की अवस्था नहीं पाई जा रही थी, तो वो उसका सही आंसर था खटमल या सीमैक्स में। तो सीमैक्स में नहीं देखने को मिल रही थी, तो यहाँ इसका आंसर हम सही क्या करेंगे, तो है एग निम्फ और एडल्ट। इसका चित्र देख लेते हैं, इसे भूलें ना, हमने चित्र भी सब की व्यवस्था करके रखी है। तो ये अगर आप खटमल की साइकिल देखेंगे, ये खटमल की साइकिल आप नज़र आ रही होगी, तो अगर इस खटमल की साइकिल पे नज़र डालेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट एडल्ट है, एडल्ट के बाद उसने एग दिया, एग के बाद फर्स्ट निम्फ स्टेज बनी और फिर सेकेंड निम्फ स्टेज बनी, थर्ड निम्फ स्टेज, फोर्थ निम्फ स्टेज और फाइव निम्फ, और निम्फ डायरेक्ट किस में बदल जाता है, एडल्ट में। यहाँ कहीं भी प्यूपा स्टेज नहीं है, यानी जो प्यूपा अवस्था है वो क्या है, अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है। तो ऑप्शन जो PG टीम बना था तो उसका यही ऑप्शन था, और यहाँ भी जो ऑप्शन लगाएंगे तो तीन ही अवस्था देखने को मिलती हैं, एक एक के बाद निम्फ, निम्फ के बाद एडल्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही कर देंगे। ये चित्र इसलिए दिखाया गया कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, अभी गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है इंसेक्ट में वो कौन सिक्रीट करता है, तो जुवेनाइल हार्मोन्स कारपोरा एलाटा सिक्रीट करती, कौन से सिक्रीट करती है, जो कारपोरा एलाटा सिक्रीट करती है। विच इज इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड, कहता है वो कौन सी ऐसी संरचना है या वो कौन सा ऐसा इनका लक्षण है जिससे ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं या सक्रिय रूप से ये मतलब जीवित हैं और ये बड़ी संख्या में है। तो उसमें हमने बताया था कि इनकी खास जो बात होती है वो है काइटेनियस क्यूटिकल, काइटेनियस क्यूटिकल। ये क्वेश्चन PGT और TGT में कम से कम 5-5 बार क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकड़ियों तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्क स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूड, तो अभी हमने आपको बताया था आर्किनिडा में शामिल किए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो आर्किनिडा कहाँ रखा है, पहले हमने कहा था आर्किनिडा ग्रुप का खास लक्षण है कि इसमें सिक्स, इनका जो खास लक्षण है ध्यान रखिएगा, सिक्स पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, सिक्स पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सिक्स पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और ये इनका खास लक्षण है। और इनमें होता क्या है, ये विदाउट विंग्स होते हैं, विदाउट विंग्स होते हैं, इनमें पंख नहीं पाए जाते। देखिएगा वो चाहे आपकी मकड़ी हो, वो चाहे आपकी बिच्छू हो, या फिर वो आपको
किलौनी बोलते हैं जो जानवरों में लगी रहती हैं, चाहे वो हो, उनमें कहीं भी आपको पंख नहीं देखने को मिलते, ना ही एंटनी देखने को मिलती हैं। नो एंटनी, ये भी ध्यान रखिएगा, तो उसमें एंटनी भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप उसे पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ये सब देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा, इनका खास करैक्टर हमने बताई था, इन पे 4 पेयर लेग्स होते हैं और बकाया सब में कितने होते हैं, 3 पेयर होते हैं। इस ग्रुप में कितने होते हैं, 4 पेयर, यानी 8 टांगें देखने को मिलती हैं। तो जब आप मकड़ी देखेंगे तो मकड़ी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये इनमें ये ऐसे पंख लगे, वो लेग्स जो होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं, यानी 4 पेयर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बना भी है TGT बायोलॉजी 2005 में। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे सही होते हैं, बस उस समय कॉमन सेंस सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पायर थ्रू द ब्रुक लंग्स। अभी हमने कहा था ब्रुक लंग्स से क्वेश्चन बना है, देखिए PGT बायोलॉजी 2011 बना, अभी हमने आपको बताया था स्कॉर्पियन में किसके द्वारा होता है, ब्रुक लंग्स के द्वारा होता, तो ऑप्शन क्या सही कर देंगे बी। और चूंकि सब बता चुके हैं तो बार बार डिस्क्रिप्शन देना उचित नहीं है। फिर अभी देखिए, हमने कहा था कि ये क्वेश्चन PGT में बना है, तो फिर देखिए आ गया काइटेनियस एक्सोस्केलेटन अकरिंग, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल हमें देखने को मिलता है, तो इनके ऊपर ठोस आवरण बाह्य कंकाल का चढ़ा रहता है काइटिन युक्त, जिससे क्या होता है, ये सर्वाइव करते हैं अर्थ पे ज़्यादा, तो ऑप्शन कर लेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रॉस हॉपर एंड एफिड्सीज, टिड्डों और एफिड्स का कायांतरण होता है। तो टिड्डों और एफिड्स का जो कायांतरण होता है वो कैसा कायांतरण देखने को मिलता है, तो इसका हमने डाटा आपके लिए रखा था, वो भी हम देख लेते हैं। डाटा किस में कैसा कायांतरण देखने को मिलता है, थोड़ा सा ये हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसलिए इसको हमने ले के रखा था। ए मेटाबोलस जो देखते हैं, ए मेटाबोलस सिल्वर फिश में पाया जाता है। ए मेटाबोलस किस में देखने को मिलता है, तो ए मेटाबोलस सिल्वर फिश में देखने को मिलता है। जो पारोमेटाबोलस होता है, जो पारोमेटाबोलस होता है वो टिड्डा में देखने को मिलता है, पारोमेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस जो है मक्खी में देखने को मिलता है। होलो मेटाबोलस मच्छर और तितली में देखने को मिलता है। होलो मेटाबोलस किस में, मच्छर और तितली में। हेमी मेटाबोलस मक्खी में। पारो मेटाबोलस जो है वो टिड्डे में देखने को मिलता है। ए मेटाबोलस सिल्वर फिश में देखने को मिलता है। तो देखते हैं, टिड्डा में पारो मेटाबोलस देखने को मिलता है, तो हम ऑप्शन इसका भी सही कर देंगे, PGT बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज। तो सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, कौन से इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन इसको सही कर देंगे। ये कहाँ पूछा गया, DSSB बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग, इनमें से कौन अपने विंग्स या पंखों को मोड़ नहीं सकता है। तो मक्खी मोड़ती है, कॉकरोच भी मोड़ सकता है, और फ्रूट फ्लाई भी, और ड्रैगन फ्लाई। तो ये कौन सी है, ड्रैगन फ्लाई अपनी जो पंखों को है वो मोड़ नहीं सकता है, कौन, ड्रैगन फ्लाई। तो ऑप्शन इसका हम क्या कर देंगे, डी सही कर देंगे। तो ऑप्शन इसका हमने क्या सही कर दिया है, डी, ड्रैगन फ्लाई अपने पंखों को मोड़ नहीं सकती है। तो अभी देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई को भी, ये आपने देखा होगा बरसात के समय, ये क्या करती है, अपने पंखों को मोड़ नहीं सकती, तो ये है ड्रैगन फ्लाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ, हीमोसिलोमिक सिस्टम किसके सदस्यों में देखने को मिलता है। तो हीमोसिलोमिक सिस्टम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में हीमोसिलोमिक सिस्टम देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो हीमोसिल से भरी रहती है, जिसमें अंग लगभग डूबे रहते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही कर देंगे, और ये PGT बायोलॉजी 2011 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बॉम्बेक्स मोरी या बॉम्बेक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास, बॉम्बेक्स मोरी या मोराई भी बोलते हैं, ये किस वर्ग से संबंधित है? तो इसमें से ये इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। किससे? इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। तो इंसेक्टा वर्ग यहाँ नहीं दिया है तो नन ऑफ द एवव आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे? नन ऑफ द। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा है, 2001 में क्वेश्चन बना था, 2001 में जिसने पीसीएस का पेपर सॉल्व किया होगा उसका 2003 में सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नन ऑफ दीज कर देंगे। नया क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग देखने को मिलते हैं? तो मोस्टली जो हमें उपांग देखने को मिलते हैं तो टू पेयर उपांग देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन लगा देंगे टू पेयर। मोस्टली ज़्यादातर, देखिए जब आंसर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आए तो हम उन्हीं को लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो जो वर्टिब्रेट्स में अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं तो टू पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। कितने? टू पेयर। अब इसके अलावा कहीं कहीं आपको मिलेगा अलग अलग जातियों में अलग अलग, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर हम लोग बी लेके चलेंगे, टू पेयर अपेंडेजेस हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शनल केस को तो वैसे भी छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, इनमें से सोशल इंसेक्ट कौन सा है? सोशल का मतलब होता है जिसमें राजा हो, रानी हो, सैनिक हो, ये सब हो। तो आपने देखा था मधुमक्खी सोशल इंसेक्ट थी, और यहाँ कौन सा है? कैलोटर्म्स है, ये सोशल इंसेक्ट है। कैलोटर्म्स में आता क्या है? तो आता है दीमक। क्या आता है? दीमक। क्या आता है? दीमक। और दीमक में ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। दीमक देखने को मिलता है तो ये लकड़ी का भक्षण करता है। किसका करता है? लकड़ी का भक्षण करता है। हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कीटों के कायंत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो कीटों के कायंत्रण में एकाइडोसोन, जो एकडीसोन है, या एकडाइसोन जो बोलते हैं, एकडाइसोन क्या करता है? इनमें मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन अकरिंग, तो किसमें देखने को मिलता है? इंसेक्ट में। ये बता चुके हैं, ये क्वेश्चन देखिए हमने कहा था कई बार पूछा है, लगभग 5 बार बना है। साधारणतया क्रस्टेशिया का डिम्बक होता है, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा जो होता है, जो सबसे कॉमन रूप से पाया जाता है। तो अभी हमने इसके लार्वा सारे बताए थे, एलिमा जोइया, प्रोटोजोइया और कई सारे बताए थे। तो उसमें से जो सिंपलेस्ट नॉपिलस है, और लगभग सभी में ये देखने को मिलता है। तो पीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर सीइंग ए हीमोसेल विच एनिमल विल बी सेलेक्ट, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? क्योंकि ये किसमें देखने को मिलता है? आर्थोपोडा में। किसमें? आर्थोपोडा में। तो अब यहाँ देखेंगे कौन सा आर्थोपोडा का सदस्य है, तो ये तो किसका है? ये सीलेंट्रेट का, उसका नाइडेरिया का है, और फैसियोला हिपैटिका प्लेटीहेलमिंथीस का है, और स्पंज किसके हैं? पोरीफेरा के हैं। तो सेंटीपीड है, सेंटीपीड का मतलब होता है खन खजूरा, तो खन खजूरा किसका है? इन आर्थोपोड्स का सदस्य है। तो उसमें हमें क्या दिख सकता है? हीमोसील दिख सकता है। तो ऑप्शन इसका लगा लेंगे हम, क्या? बी। क्या कर लेंगे? बी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कीट जो अपने अंडे जल में देता है, कीट जो अपने अंडल जल में देता है, तो बटरफ्लाई जल में देती नहीं है, पेड़ पौधों पे देती है। हाउस फ्लाई क्या होता है? डंग पे देती है, गोबर आदि पे देती है। ड्रैगन फ्लाई है नहीं, सैंड फ्लाई तो ये तो देती नहीं। अब बचा कौन? ड्रैगन फ्लाई। कौन बचा? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई जो है ये प्रायः अपने जो अंडे होते हैं, ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो जो अपने अंडे होता है वो कहाँ देता है? ये जल में देता है। कहाँ देता है? जल में। तो ये जल में देता है। इसके अलावा जो जनन करता है या कॉपुलेशन करता है, ध्यान रखिए, जो कॉपुलेशन करता है वो हवा में करता है, एयर में करता है, और ये बरसात के समय, ध्यान रखिए, बरसात जब पानी बरस चुका होता है, बरसात के समय जब पानी बरस चुका होता है उसके बाद ये बहुत खेतों के ऊपर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और ड्रैगन का भी हमने चित्र दिखाया था, ये खेतों के ऊपर बहुत घूमते हैं, ये हेलीकॉप्टर की तरह दिखते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के सेम टू सेम दिखाई देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इनकी पूंछ में, ये जो पूंछ होती है इसमें लकड़ी डाल देते हैं, तो ये एकदम बहुत तेज़ी से उड़ती है, एकदम एक सीध में उड़ती है। तो जो बच्चे खेलते रहते हैं तो पकड़ पकड़ के ऐसे
हरकतें करते रहते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई आपने सबने देखा होगा और ये बरसात में अक्सर हमें देखने को मिलती है। नया क्वेश्चन कह रहा है मालपीघियन नलिकाएं हैं, तो मालपीघियन नलिकाएं क्या होती हैं? तो ये क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिलेट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट कीटों के उत्सर्जी अंग हैं। ये फैक्ट लेवल के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भी हमें ख़त्म करने हैं तो ज़्यादा समझाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको समझा देंगे तो क्वेश्चन कम हो पाएंगे। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, पूर्ण कायंत्रण पाया जाता है, तो पूर्ण कायंत्र बटरफ्लाईज में पाया जाता है। ध्यान रखिए बटरफ्लाई और किस में देखने को मिलता है? इसके अलावा मच्छर में देखने को मिलता है। किस में? मच्छर में। तो मच्छर दिया नहीं तो बटरफ्लाई बिल्कुल इसका सही है। तो ये TGT बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिपेटस एक संयोजी कड़ी है किनके मध्य में? पैरी जो पैटस है वो किसके मध्य में संयोजी कड़ी है? तो पैरी पैटस संयोजक कड़ी किसके मध्य में है? तो वो है आर्थोपोडा और एनिलिडा के मध्य में। तो किसके मध्य में है? आर्थोपोडा और एनिलिडा के मध्य में संयोजक कड़ी है। तो आर्थोपोडा और एनिलिडा के मध्य के बीच की कड़ी है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार बना है। और एनिलिडा और मोलस्का के बीच में क्या है? तो नॉपिलस जो है वो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। TGT बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। अब इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे आपसे कॉकरोच और कॉकरोच से पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो इसका डाटा कल तक तैयार हो जाएगा तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।